HTML end of HTML body script type equals to text or JavaScript then now I save the file script ex one okay so just I notification log aa jata hai kahan par ye script ye isme ha ha it is showing a notification here okay so scripting is defined in the body of the html then alert welcome to javascript okay then when I run the file okay please enter your name okay ye to alag hai kya lage isme welcome to sir khana oh sorry oh ye dikha diya tha kya aha ye dikha diya tha right click open open file okay welcome to javascript ye dikhaya clear Is it clear? Again, sir. Yes, sir. Ramajit, Pujala. Yes, sir. Ramajit. Again, sir. Again, sir. Boys of sheep. हाँ हाँ बुझी पाई जाता है इटा. Again, sir. Again. इटा उसे alert box है ना. Again. The next. We can create an external JavaScript. When you embedded a script in HTML page, it become difficult to manage both the HTML code and JavaScript. Okay, इसका मतलब क्या है? अगर आप एक जगह पर HTML का कोड और JavaScript का कोड लिखोगे, तो it may be look some kind of complex.
तो इसलिए हम क्या करेंगे ना, जो स्क्रिप्टिंग का फाइल है वो एक अलग सा स्टोर करेंगे। तो इसको स्टोर करने के लिए हम यूज़ करेंगे डॉट जेएस फाइल में। किसी भी फाइल आप क्रिएट करो उसको डॉट जेएस में स्टोर करो। ओके, फिर उसको आपका एचटीएमएल पेज में उसको लिंक देना है, जैसे कि स्क्रिप्ट टाइप टेक्स्ट और एचटीएमएल जावा, सॉरी टेक्स्ट और जावा स्क्रिप्ट SRC, देन जिस ड्राइव में आप फाइल को सेव करोगे उसी का पाथ यहाँ पर देना है, सेल डॉट जेएस। तो आपका एक्सटर्नल फाइल यहाँ पर कॉल होगा। तो नाउ यहीं पे हमारा बंद हुआ था। स्क्रिप्ट टाइप इक्वल्स टू, उसको तो दिखाई नहीं देता है, उसको आगे बैठा कर तुम पीछे बैठना चाहिए, तुम उल्टा काम कर रहे हो। मुझे सेल्फी, दिखाई नहीं दे रही है। तुम भी अंधे हो। ठीक है, और कुछ नहीं बोलेंगे आगे से। इसको बोला जाता है सेल्फिश। नहीं सर, एक्चुअली उसका चश्मा तो है, मेरा चश्मा भी नहीं है ना। ओके, नाउ आई सेव दिस फाइल। फाइल सेव एज, स्क्रिप्ट EX3.html। ओके, सी देयर, स्क्रिप्ट टाइप टेक्स्ट और जावा स्क्रिप्ट, सो इट इज रिट्राइव द फाइल फ्रॉम EXTR.js फाइल, मतलब यहाँ से रिट्राइव करेगा। यहाँ पर क्या है ना, अलर्ट मैसेज है, दिखाई दे रहा है तो तुम दोनों को, दिस वन। ओके, वेलकम टू जावा स्क्रिप्ट। ओके, तो ए वाला फाइल हम कहाँ पर कॉल करेंगे ना, यहाँ पर। ओके, तो अभी हम इसको रन करते हैं, व्हाट इज द आउटपुट इट विल डिस्प्ले। देखो सेम आउटपुट होगा, लेकिन ये हो गया आपका एक्सटर्नल स्टाइल सीट, काम ही नहीं किया। क्यों नहीं आया, लेट मी चेक। डी ड्राइव EXTER.js, सर स्क्रिप्ट का तो कोई एंडिंग नहीं हुआ। एंडिंग होगा ना, वही गलत हुआ शायद। स्क्रिप्ट एंड नहीं हुआ, स्क्रिप्ट एंड हुआ।
Okay, can I open? काम क्यों नहीं कर रहा है? ओपन विथ। अच्छा, इसमें और कुछ एरर नहीं है, इसमें क्या है? अलर्ट, वेलकम टू जावास्क्रिप्ट। डायरेक्ट रहता है डॉट जेएस। अलर्ट वेलकम टू जावास्क्रिप्ट, देन स्क्रिप्ट टाइप इज SRC। हाँ, वो कैसे स्टोर होगा? हम कहाँ पर स्टोर किए हैं? फाइल का नाम है HTML, इसलिए नहीं हो रहा है। एग्जाम्पल यहाँ पर स्टोर हुआ है, इसलिए शो नहीं कर रहा है। उसका पाथ नहीं दिया। हाँ, आया। ओके, सो इट इज ए एक्सटर्नल एक्सटर्नल सॉरी जावास्क्रिप्ट, मतलब आप कोई दूसरा फाइल में स्टोर करोगे और यहाँ पर आपको वही पाथ देना पड़ेगा। कहाँ पर स्टोर है? SRC डी ड्राइव HTML एग्जाम्पल EXTR.js। तो यहाँ पर है दैट वेलकम टू जावास्क्रिप्ट। क्लियर? आज्ञा सर। रोमेजित? यस सर। सागर? आज्ञा सर। सागर? यस सर। यस सर। फ्री फायर खेल चुकी? फ्री फायर के खेलियो? से आजी आजी आगोटे पिला सिंधी फ्री फायर रे मिलला। ओके, से हम पढ़िबा सेमीकोलन। व्हेन यू आर डिफाइनिंग ए सेमीकोलन means when you are using a alert, you have to use a semicolon. Okay, as you know that in a other programming language, when you write a programming language to end the statement, we are using semicolon. The similar way here also we are using semicolon. Alert, product on sale. Okay, so here we use semicolon. Then quotes. The JavaScript allow you to use either the double quote or single quote to represent a string. मतलब आप कोई भी कुछ चीज आप डिस्प्ले करना चाहते हो तो आप सिंगल कोटेशन और डबल कोटेशन में आप इसको प्रिंट करोगे। उसके बाद है आपका केस सेंसिटिव। जावास्क्रिप्ट इज ए केस सेंसिटिव स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। दिस मीन्स दैट इफ यू राइट ए इज इक्वल्स टू बी, देन यू कैन नॉट पास एज कैपिटल ए इज इक्वल्स टू कैपिटल बी। ओके, मीन्स you are not define the variable. आपको कोई डाटा टाइप देने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वो केस सेंसिटिव है, कैपिटल और स्मॉल, लोअर केसेस अपर केसेस में रहेगा। उसके बाद है कॉमेंट। आज लाइक इन द नॉर्मल प्रोग्राम, अगर आप सिंगल लाइन कॉमेंट देना चाहते हो तो यू हैव टू यूज डबल स्लैश। इफ यू वॉन्ट टू गिव ए मल्टी लाइन कॉमेंट, स्लैश स्टार स्टार स्लैश इज यूज। ओके, कॉमेंट्स। So comments are necessary for readability. If you want to give some kind of instruction to your program, means why you have to write, then you have to use this comment line. Single line comment ke liye double slash use kiya jayega, multi line comment ke liye slash star or star slash use kiya jayega. Understood this one? Again sir. Yes sir. Again. Yes sir. Yes sir.
Then, as you know that variable is what? Now, variable is a memory location where you have to store the value. It is in a programming language also we know that. Then for storing a value, we use like quantity 5, price is 250. Okay, so variable is a named location in the memory that is used to store the value. Like quantity 5, price 250. Here we not define any kind of data type. यहाँ पर हम कुछ भी data type define नहीं किए हैं. तो डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यू स्टोर हो जाएगा. एंड व्हाइल इफ यू वांट टू डिक्लेयर ए वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट इन अनदर वे यू कैन डिफाइन. अगर आपको ये जो वेरिएबल है एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन अगर आपको इनिशियलाइजेशन करना है तो डायरेक्टली आप लिखोगे क्वांटिटी इक्वल्स टू 5, प्राइस इक्वल्स टू 250. अगर आप यूजर से कुछ वैल्यू लेना है तो यू हैव टू डिफाइन ए वेयर कीवर्ड, वेयर देन वेरिएबल नेम, वेयर देन एम्प्लॉई नेम. Okay. Clear? Yes, sir. Rumejit, Sagar, Bujhelai Pata? Yes, sir. Yes, sir. Omkar, Bujhpailo? Yes, sir. Then assigning a value to a variable. The value can be assigned to a variable in the following ways. One is assigning the value to a variable after its declaration and initialize a variable while declaring it. Means in this way you have to define. First you have to declare it. If you want to declare a variable, first you define var, then variable name, then employee name equals to Peter. Okay. And if you want to pass here, at the time of declaration, you can initialize the value. Bihar employee name is equal to Peter. Then, यहाँ पर क्या होता है देखो, JavaScript provide a flexibility to use the variable without declaring it. आप declare नहीं करके भी उसको directly आप initialization कर सकते हो. Employee name is equal to Peter. It is another way. The next way is what? If you want to store the value in a array. तो आरए में कैसे डिफाइन होगा? वेरिएबल न्यू आरए, वेरिएबल वेरिएबल नेम न्यू आरए 3, देन थ्रो द इंडेक्स नंबर यू स्टोर द वैल्यू. 0 सॉप्स, 1 ऑयल्स, 2 इज प्रोडक्ट्स. ओके, यस सर. उमेजित, ओमकार, सागर. यस सर, यस सर, यस सर, यस सर. अगेन सर. So you can use the different type of operators in JavaScript as it contains some kind of programming concept. You have to use the different type of operator like arithmetic operator, assignment operator, arithmetic assignment operator, comparison operator, logical operator. So these are the different operators we have. Okay. The plus means it is used to add the number. Minus is used to subtract the number. Star is used multiply the number that you are already know. Then here it is a division. Division is used to divide a number. Modulo is used to showing the remainder part. So already you know it in your different programming language you learn in C, C++, Java, that the part you have already learned it. Then assignment operator. Like if you write plus equals to x plus equals to y means x equals to x plus y. X minus equals to y means x equals to x minus y. X multiplication equals to y means x equals to x into y. X division equals to y means x equals to x by y. X modulo equals to y means x equals to x modulo y. Okay. Okay, so in the next class, I will start with the
comparison operator. Okay, I will share this note and video also. Okay, the comparison operator we will start. Okay. Okay, sir. Yes, sir. Our topic we prepare rahi ho sabu. Ame connect kariba. Okay. Okay, sir. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir.